हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे BSNL से रिगार्डिंग एक नया अपडेट आ रहा है, जो अपडेट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से यानी कि यूपी से निकल के आ रहे हैं। जिस अपडेट को देख करके आप काफ़ी जो कि खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे BSNL 4G कब आएगा कब आएगा कब आएगा का इंतजार में काफ़ी लोग जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि BSNL से रिगार्डिंग जो अपडेट है यूपी से है, तो किस प्रकार का अपडेट है एक एक जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देरी न करते हुए अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो कि हेडलाइन को देखा जाए तो यूपी के BSNL उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, अगले महीने से शुरू हो जाएगी 4G स्पीड। तो कहाँ पे आखिर में उत्तर प्रदेश में 4G स्पीड शुरू होगी, इसके बारे में हम जानकारी आपको एक एक करके देने वाले हैं। तो यूपी में BSNL उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, फरवरी से सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी BSNL की 4G सेवाएँ शुरू हो जाएगी। इसके लिए 4G के 800 BTS यानी सिग्नल टावर यूपी ईस्ट सर्कल को दिए गए हैं, 10 दिन में इनकी सप्लाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। और BSNL के मुख्य प्रबंधक राजेश कुमार सोनी ने बताया कि यूपी ईस्ट सर्कल में 6000 टावर पर कार्य चल रहा है, और CGM ने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 50 और सर्विस सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। यूपी ईस्ट सर्कल में BSNL के 20 लाख उपभोक्ता हैं, इनमें से 40,000 पोस्टपेड सिम कार्ड प्रयोग कर रहे हैं। तो यानी कि यूपी ईस्ट में टोटल 20 लाख जो कि उपभोक्ता है, जिसमें से 40,000 ऐसे ग्राहक हैं यानी कि उपभोक्ता हैं जो कि पोस्टपेड सिम कार्ड यूज कर रहे हैं BSNL का। यहाँ पे आगे की तरफ देखें तो नई कॉलोनियों दूर दराज में के गांवों में 600 नए टावर, तो यहाँ पे 100 ऐसे गांव चुने गए हैं जहाँ BSNL टावर लगाया जाएगा। साथ ही लखनऊ समेत अन्य जिलों में जहाँ विस्तार तेजी से हुआ, नई कॉलोनियों बसी, वहाँ 500 नए BTS टावर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे आगे की तरफ देखें तो काफ़ी सिम कार्ड जो कि BSNL के बंद भी हुए, क्योंकि काफ़ी लोग जो कि यूज नहीं करते थे, जिसके बाद उसको बंद कर दिया गया था, उस पर भी थोड़ा सा अपडेट निकल के आ रहा है, उस पर भी हम देख लेते हैं। तो बंद पड़े 33 लाख नंबरों को चालू करवाएंगे। BSNL के 30 लाख जो कि नंबर ऐसे हैं जो लंबे समय से रिचार्ज नहीं किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई सिम यूज नहीं करता है तो वो सिम कार्ड बंद कर दिया जाता है। तो उसी तरह से जो कि BSNL के 30 लाख ऐसे सिम कार्ड थे जो कि यूज नहीं हो रहे थे, जिसको बंद कर दिया गया था। तो उससे आप देखिए, CGM के अनुसार ऐसे उपभोक्ता के लिए आकर्षक प्लान लाए जाएंगे, यानी कि जो भी 30 लाख ऐसे जो कि नंबर थे जो बंद हो चुके हैं, उनके लिए एक अलग से प्लान लाया जाएगा, ताकि वो सिम कार्ड को वो चालू करें और फिर से सिम कार्ड यूज करना स्टार्ट करें। तो हाल ही में ₹450 का एक प्लान लाया गया था, जिसमें से 1 साल की वैधता थी, इसे 50,000 लोगों ने अपनाया। अब दोबारा ऐसा ही प्लान लाया जाएगा। तो यहाँ पे जो कि जो प्लान आया था ₹450 का, उसको 50,000 लोगों ने जो कि उसका फायदा लिया, और BSNL चाहता है कि फिर से हम ऐसे ही कोई प्लान लाए, ताकि जो भी सिम कार्ड बंद पड़े हैं वो सिम कार्ड फिर से चालू यानी कि सक्रिय कर लिया जाए जो भी ग्राहक है उनके द्वारा। और यहाँ पे यूपी के 35,000 गांवों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, तो सर्कल के 35,000 गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर लगाना यानी बिछाना चालू हो चुका है, और यहाँ पे साथ ही सभी लैंडलाइन नंबरों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के फाइबर लाइन में जोड़ने का कार्य चल रहा है। मौजूदा समय पर 46,000 लैंडलाइन नंबर पर कार्य कर रहे हैं। अयोध्या में 11 नए जो कि टावर लग रहे हैं, तो अयोध्या से भी यहाँ पे अपडेट निकल के आ गया, जिसमें 11 टावर लगाए जा रहे हैं। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए नए BTS टावर लगाए जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट और श्री राम मंदिर के पास और टेंट सिटी में 3 नए टावर चालू हो गए हैं। साथ ही अयोध्या के अन्य क्षेत्र में जहाँ सिग्नल कमजोर है, वहाँ 8 नए टावर लग रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट निकल के आ रहा था यूपी से, जहाँ पे BSNL का 4G का अब जो कि दबदबा चलने वाला है, यानी कि BSNL 4G अब यूपी में काफ़ी जगहों पर देखने को मिलने वाला है जल्द ही। तो बस यही एक छोटी सी अपडेट के साथ मैं यह वीडियो को समाप्त करता हूँ, और फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।